हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम बशर, गाइस श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सारे प्लेयर्स यार, विराट कोहली 50 प्लस, श्रेयस अय्यर की तो सेंचुरी हुई है और केएल राहुल के हम, क्योंकि आप कहते हैं आपके साथ हम आखिरी ओवर देखते हैं, तो केएल राहुल अभी कहां पे खड़ा हुआ है? 89 पर खड़ा हुआ है, 60 बॉल्स पर 89 और पीछे बॉल्स अभी भी 8 रहती हैं। तो प्लीज यार श्रेयस अय्यर इनको मौका दो ताकि इनकी भी सेंचुरी हो जाए। इस मैच के, इस वीडियो के खत्म होते शायद देखते हैं, लेकिन यार भाई देखा जाए ये पहले कभी ऐसा हुआ है इंडिया के टॉप 5 प्लेयर्स से सब वर्ल्ड कप में पहली दफा हुआ, वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ है गाइस। पहले प्लेयर ओपनर, थर्ड प्लेयर, फोर्थ प्लेयर और फिफ्थ प्लेयर, मतलब 50 प्लस स्कोर किया है इन्होंने और एक ने तो सेंचुरी मारी है, दूसरी की भी होने लगी है यार। और शुभमन गिल की आज पारी बहुत फास्ट थी और यार और छोड़ो केएल राहुल कितना फास्ट खेला लास्ट में यार। केएल राहुल ने तो भाई मचा दी है यार, यार मतलब वो है, मैं यही समझ रहा था 70-80 बनाएगा, लेकिन वो दोनों पेल पेल कर भाई आज नेदरलैंड की मार दी, 400 प्लस टारगेट है। बिल्कुल ये वाला जो स्पीड है, 389 तो अभी हो गया और जो स्पीड लग रही है ये भाई, ये अप है, काम अप है। आज आज स्टार्ट किया क्या कहते हैं रोहित शर्मा ने, लेकिन पहले थोड़ा तेज चले फिर स्लो हो गए, उनकी कसर पूरी कर दी शुभमन गिल ने, उन्होंने तो ताबड़तोड़ यार। लगभग लगभग मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, आप लोगों को मजा आ जाएगा। 54 पर 61 बनाए रोहित शर्मा ने, 32 पे 51 शुभमन गिल ने, 56 पर 51, मतलब ये एज यूजुअल जो अपनी विराट कोहली जिस तरह स्टार्टिंग लेते हैं, 93 पे 127 सही है अभी तक हो गया और वही शॉट पे 89, मतलब यार सीरियसली वही नेक्स्ट लेवल चीज चल रही है। आखिरी बॉल पे भी चौका मार रहा है, मतलब आखिरी ओवर अभी पूरा टोटल एक ओवर जो है ना मिल जाएगा केएल राहुल को यार बनानी चाहिए यार। वैसे मैं सच बताऊं, मुझे इधर अय्यर को साथ यार किस बैट्समैन की बंदा तारीफ करे यार, मुझे ये बताओ। रोहित शर्मा अलग ही लीग में खेल रहे हैं, विराट कोहली अलग ही लीग में खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर को शुरू के 3-4 मैचों से जो लोग जज कर रहे थे ना, अब वो जवाब दे रहे हैं, वो बोल रहे थे श्रेयस अय्यर को क्यों रखा है, बैट से जवाब दे रहे हैं, बोलो इसको जाओ जाके रील बनाए, जो बातें कर रहे थे सबको भाई श्रेयस अय्यर ने चुप कराया। और गाइस पहले बॉल से हमने साथ देख रहे थे, पहली बॉल पर छक्का, दूसरे पे चौका और 100 केएल राहुल के, दूसरे भी छक्का 100 हो गया, हां 100 हो गया, दूसरा भी केएल राहुल ने बॉल फाड़ ले जाए, बाहर करते हो भाई, कत्ल करते हो बात, दो प्लेयर की सेंचुरी, तीन प्लेयर की हाफ सेंचुरी भाई, तबाही है, ये तबाही है, ये दिन की तबाही है, तबाही का एक पॉइंट, अभी तीन बॉल हुई है, 406 रन बन चुके हैं, 406 दूसरे क्या कहते हैं कमेंटेटर भी बोल रहे थे 372-400 बनेगा, 400 प्लस बन गए, 400 प्लस बना, शुरू पे थोड़ा स्लो था, ये लास्ट ओवरों में दोनों तबाही श्रेयस अय्यर पहली बात विकेट और नेदरलैंड के बैट्समैनों को नेदरलैंड के खिलाफ तो ऐसा मेरे, अब आती है वही प्रेडिक्शन हमारी, कितने ओवरों में जीतेगा इंडिया, बताया कमेंट सेक्शन में, मुझे लगता है 25-30 ओवरों में, जिस तरह की पिछली परफॉर्मेंस है, अब नेदरलैंड आगे क्या करता है वो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगता है 25-30 ओवरों में, 25-30 ओवरों में जिस तरह की देखो हम अक्सर 35-40 ओवर बोलते हैं, इस बार 25-30 ओवर बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया की बॉलिंग ऐसी है वो 20 ओवरों में निपटा देती है, तो 25-30 एडजस्ट करते हैं इस बार हम बोलते हैं। और आज इंडिया 9-9 मैच सारे जीत कर जाएगी भाई, बेस्ट ऑफ ये पहली बार होगा ना वर्ल्ड कप के इतिहास में इंडिया ने लगातार, नहीं इससे पहले भी शायद जीते थे इंडिया के इतिहास में, नहीं यार भाई नहीं, पहले 2011 में मेरे ख्याल में 7 जीते थे, 2 हारे थे, इंडिया के वर्ल्ड कप की बात नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ गाइस। इंडिया वर्ल्ड कप में पहली बार अनडिफीटेड जा रही है और पूरी दुनिया में भी अनडिफीटेड पहली बार ये जा रही है, या कोई और भी टीम अनडिफीटेड सेमीफाइनल जा चुकी है, तो मतलब यही दो फिर टीमें होंगी और तो मेरे माइंड में कोई नहीं आ रही, लेकिन भाई जो तबाही दिखाई है आज इंडियन बॉलर्स ने, मैं कहता हूँ फाड़ दिया सब, फाड़ कर सही बात है, राहुल कितना फास्ट खेला है यार, कितना राहुल वाकई बहुत फास्ट, बॉलों में 63 बॉलों पे 102 देखो श्रेयस अय्यर कितना तेज खेला, ये भी तो देखो ना, मतलब 63 श्रेयस अय्यर भाई वो भी खेला, लेकिन सबसे फास्ट जो खेला वो केएल राहुल, उनका स्कोर आप स्ट्राइक रेट देखो
161 का केएल राहुल का, 136 का भाग्यो का और 159 का शुभमन गिल का, मतलब सबसे तेज था स्ट्राइक यार, लेकिन डिजर्व करता है शुभमन गिल, नंबर वन बैटर, देखो उसकी परफॉर्मेंस से भी आपको पता लगा और यार इंडिया क्या टीम बनाई है यार, क्या टीम है आप, आपकी ये मैं कहता हूँ हिस्ट्री में मैंने जो देखा ना, जब से मैं क्रिकेट के बारे में जान, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है इस जैसी टीम, इससे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कोई और तो हमें कमेंट में बता दे, ये वो टीम है जिसमें बंदा सोचता है कि किस प्लेयर को खिलाए और किस प्लेयर की ना खिलाए, ये वो टीम है इसमें बंदा सोचता है बॉलर्स की तारीफ करें या बैट्समैन की तारीफ करें, मतलब बैट्समैन सारे वही खेले जो अपनी लाइनअप है, बॉलर में अच्छे ही तो नहीं किए कुछ, नहीं मेरे ख्याल से नहीं है वही बॉलर्स खेले या किसी को, वो तो खैर ये तो बॉलर आएंगे तब गौर करेंगे, हम तो सारा बैटिंग में मशगूल थे वाकई यार, लेकिन यार इंडिया सीरियसली बस डिजर्व आप ही करते, बस इस दफा धूल चटाओ न्यूजीलैंड को, सारे बदले उतारो न्यूजीलैंड से, एक आउट हो गया यार राहुल, आउट हो गया, कोई नहीं अपना काम करके गया, अपना काम वो करके गया सारे, मैं यही कहूंगा कि अपना काम करके जाओ, इस दफा न्यूजीलैंड को धूल चटाओ, हर टूर्नामेंट में हर नॉकआउट में आपसे उसने उसने आपसे नॉकआउट में आपसे, इस दफा आप उसको जो है ना ऐसा धूल चटाओ, ऐसी और ये जो टीम है ना न्यूजीलैंड में को पहल के रख देगी, पहल के रख देगी, मुझे भी यही लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो बॉल शॉट कल रेडी हो गया ना तुम्हारी बैंड नट बोल्ट टाइट करके आना, बोल्ट अपने बोल्ट और नट जो है वो टाइट करके आना, तेरा स्क्रू ढीला किया जाएगा कल से, सही बात है, हाँ भाई, और इस बार मैं बोल रहा हूँ इस पर वो जो श्राप था ना भाई, 23 साल बाद जो इस बार वर्ल्ड कप में जीती है भारत भाई, 410 बनाए, 411 का टारगेट दे, 411 का गैस टारगेट है, मजे लेते हैं, अब कब कितने ओवर में ये चेस करेगा बताए ना, 25 25 नहीं मैं इनसे पूछ रहा हूँ भाई, चेस नहीं आउट करेगा, सॉरी कितने चेस वाली तो बात भूल जाओ, वो मैं समझ गई थी, भूल जाओ, नहीं तुम भूल जाओ भाई, कितने ओवर में आउट भारत इन सबको कर देगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में ये चीज हमसे लाजमी शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा था यार।